नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, इन सभी फंक्शनों का एमएस एक्सेल में कैसे उपयोग किया जाता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने रिसेंट में काफ़ी वीडियो बना दिए एमएस एक्सेल की। यदि आप इस सीरीज से नए जुड़े हो और अभी भी एमएस एक्सेल सीख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं और भी एमएस एक्सेल के जो चैप्टर हमने बनाए हैं। तो जो आज का जो वीडियो होगा वो इन फंक्शन से संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, शेप, इमेजेस, पिक्चर्स बहुत ही कम एमएस एक्सेल में उपयोग होती है, क्योंकि एमएस एक्सेल एक डाटा एंट्री का एक सॉफ्टवेयर है जहां पर डाटा एंट्री, बिल, हिसाब किताब से संबंधित होते हैं। ये चीज़ पिक्चर्स हुए, शेप हुए, इस तरह की चीज़ आपको एमएस वर्ड में ज़्यादा उपयोग करने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर दी है तो हम यहां पर कैसे उपयोग करते हैं मैं आपको बता देती हूं। यहां पर देखिए पिक्चर्स, अगर आपको पिक्चर्स इंसर्ट करानी है एमएस एक्सेल के अंदर तो आप करा सकते हैं। आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, आपको पिक्चर्स ले लेनी है आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ से एक पिक्चर्स ले लेते हैं कोई भी। देखिए, हम लोगो ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर कोई शीट बना रहे हैं और उस कंपनी का लोगो आपको डालना है तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको इंसर्ट करा के नीचे आपको रखना है इसको, और यहाँ से ड्रैग कर देना है, और यहाँ पर आप लोगो सेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, तो किसी कंपनी का बना रहे हो या किसी का आप लोगो लगाना है आपको, या किसी कंपनी की डाटा एंट्री कर रहे हो, कोई हिसाब किताब का काम है, टेली वर्क है, तो इस तरह आपको लोगो को लगाना है, पिक्चर्स लगाने, तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएंगे, आप यहाँ से इफेक्ट देख सकते हो कौन सा आपको कलर देखना है, एंड यहाँ से आपको कैसा साइज रखना है, क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं। सारे फॉर्मेट के अंदर आपको फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इमेज से संबंधित काफ़ी फंक्शन को समझा दिया। यहाँ पर नेक्स्ट है पिक्चर्स ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर कोई पिक्चर्स नहीं है तो यहाँ से आप सीधा क्लिक करके आप यहाँ पर बिंग इमेजेस सर्च इंजन, यानी यहाँ से इस पर आपको इमेजेस डालना है और इमेज यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन इसलिए डिफॉल्ट सेट है। अगर आपके पास कंप्यूटर बनेंगे तो नेट से आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड फिर शेप, आपको शेप जनरेट करनी है, यहाँ से शेप इंसर्ट करानी है तो आप किसी प्रकार के शेप को यहाँ से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि शेप बहुत ही कम एमएस एक्सेल में उपयोग होती है, लेकिन आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। शेप से रिलेटेड हमने वीडियो बना दी है तो आप उनको देखकर शेप की पूरी डिटेल ले सकते हैं, किस प्रकार की शेप बनाई जाती है, कैसे ग्रुप अनग्रुप किया जाता है, ये सब आपको हमारी वीडियो पर मिल जाएंगे, है ना। तो हम कुछ बेसिक डिटेल जानना है कि एमएस एक्सेल में अगर ये हैं तो इनका काम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है फिर स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट अपनी कोई वर्क फ्लो है, वर्क है, प्रोसेस है, किसी चीज़ की जानकारी, उसको स्मार्ट तरीके से दिखाने के लिए इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, ठीक है। एंड ओके प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बस आपको टेक्स्ट डालना है, और टेक्स्ट डालने के बाद आपका काम केवल आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, तो आप कोई भी कस्टमाइज कर सकते किसी भी यहाँ पर बनी हुई शेप में। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर स्मार्ट आर्ट उपयोग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रोसेस दिखाएंगे कोई प्रोसेस उसकी वैल्यू वगैरह दिखाएंगे तो स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही करना है, अब आप अपने कहीं पे भी यूज कर सकते हो स्मार्ट आर्ट को, है ना। लेकिन हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट को आपको बेसिक डिटेल बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट आप अपने तरीके से कर सकते हैं, केवल इंसर्ट कराना, बाकी के सारे फंक्शन जो एमएस वर्ड में आपको सिखाएं आप उस तरह सीख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रेश, यहाँ पे स्क्रीनशॉट। दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो
तो यहाँ पर किसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने कि इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लिया, मैं ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के बाद छोड़ दूँगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा आपके एमएस एक्सेल शीट में। जो डिस्प्ले होगा, जो ओपन होगी फाइल, वहाँ पर वो स्क्रीनशॉट देगा लाके। तो यहाँ पर इन फंक्शन को इस तरह के उपयोग किया था, हम बेसिक डिटेल दे रहे हैं आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।